नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, तो उसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लंबे समय से उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा माननीय हेमामालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात भी कर दी गई है, पर अभी तक उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में माननीय सांसद हेमामालिनी जी से मिला, जिसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसको लेकर माननीय सांसद श्रीमती हेमामालिनी जी ने एक बार फिर से ईपीएस 1995 पेंशनर्स को विश्वास दिलाया है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये जो एक और अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह से आगे आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज है, आने वाले अपडेट है, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का हाल ही में एक प्रतिनिधि मंडल माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मिला, जिस पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके संदर्भ में चर्चा की गई और माननीय सांसद हेमा मालिनी जी द्वारा ईपीएस 1995 पेंशनर्स को आश्वासन दिया गया, विश्वास दिला गया कि उनकी पेंशन में जल्द से जल्द बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर है, जल्द होगी ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी। माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने दिलाया एक बार फिर से पेंशनर्स को विश्वास। तो जी हां दोस्तों, माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स को विश्वास दिलाया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आशाराम शर्मा जी ने माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से हाल ही में मुलाकात की है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राव के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आसाराम शर्मा जी ने 3 सदस्यीय टीम के साथ दिनांक 17 मार्च 2021 को माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ दिल्ली में मुलाकात कर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की समस्याओं के संदर्भ में एक बार फिर से विस्तार से चर्चा की है। इस संदर्भ में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने बताया कि पेंशनर्स की मांगों के समर्थन में मेरा पूरा प्रयास जारी है, संबंधित महाभानुओं से मेरी बातचीत भी जारी है, वह पेंशनर्स के साथ है और पेंशनर्स की मांगों को पूर्ण करवाने तो वचनबद्ध भी है। साथ ही माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने संगठन को थोड़ा सा और धैर्य रखने की सलाह भी दी है। न्यावत हो कि दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं हेमा मालिनी जी की उपस्थिति में नैक के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन भी दिया गया था और संबंधित मंत्री महोदय को दिशा निर्देश भी दिए गए थे, तभी से यह वृद्ध पेंशन धारक आशा भरी नजरों से माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे हैं। यह भी नावत हो कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा सभी आंदोलन वापस ले लिए गए हैं, लेकिन नैक के मुख्यालय बुल्ढाणा में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन अखंडित जारी है और आज अनशन का 817वां दिन भी है। तो जो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल 17 मार्च 2021 को माननीय सांसद हेमा मालिनी जी से मिला, जिसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो उनके संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई, जिस पर माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा सभी पेंशनर्स को आश्वासन दिया गया और कहा गया कि पेंशनर्स की मांगों के समर्थन में उनका पूरा प्रयास जारी है, संबंधित महानुभाव से मेरी बातचीत भी जारी है, वह पेंशनर्स के साथ है और पेंशनर्स की मांगों को पूर्ण करवाने हेतु वचनबद्ध ही है। तो जी हां दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को इतना बड़ा विश्वास मिल गया है कि एक बार फिर से उनकी पेंशन बढ़ोतरी की जो आशा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर और माननीय
हेमा मालिनी जी की ओर लगी हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, यूपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि कुछ ही दिनों पहले माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा संसद में भी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया गया है। इसके अलावा और भी सांसद महोदय है जिनके द्वारा संसद में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई थी, जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी पेंशनर्स को विश्वास दिलाया गया था, आश्वासन दिया गया था कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उस पर सरकार द्वारा जल्दी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर अभी तक ईपीएस 1995 पेंशन धारक जो है वो अच्छी खबर के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार द्वारा उनकी पेंशन की बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। पर ईपीएस 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसके लिए अपने ओर से पूरा प्रयास करते आ रहे हैं। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो एक और अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में हमने आपको वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है जिसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज है, आने वाले अपडेट्स है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।